काफ़ी टाइम बाद हलवा पूड़ी खाने का मौका मिला है। टाइम हो रहा है 11:30 ऑलमोस्ट, तो सुबह जल्दी उठना पड़ा, कोई काम था एक। नाम है ज़ीशान यार। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम संडे को उठते नहीं है, लेकिन एक काम था तो हमने बोला यार वो काम भी निपटा लेते हैं और आज हलवा पूड़ी भी खा लेते हैं। और कहाँ पे अभी हम हलवा पूड़ी खाने? अभी हम हलवा पूड़ी खाने गोल्डन मार्केट आए हुए। यहाँ पे एक बहुत फेमस हलवा पूड़ी वाला, नवाब हलवा पूड़ी वाला, अगर आप लोगों को हलवा पूड़ी खानी हो उसे ट्राई करना, बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने पैसों से खाइए। भाई इस वक्त हम नवाब हलवा पूड़ी पे मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ रश लगा हुआ है, लोग काफ़ी जमा है हलवा पूड़ी खाने के लिए। इतवार की सुबह वैसे ही रश होता है। ये मैं तीन लोग आपको दिखा रहा हूँ, ये आप बैठ गए, ये भाई हम बैठ गए आज, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही है। और लग रही है, रहने दे। मैं कहाँ बैठूँ? रिजवान हम लोग कहाँ हैं? नवाब हलवा पूड़ी। कितने टाइम बाद? यार रिजवान मेरे भाई तुम एकदम हीरो लग रहे हो। सर काफी इंतजार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है और वैसे ही हलवा पूड़ी खाने आए तो तलब और बढ़ रही है कि भाई फौरन आ जाए। अब देखो क्या होता है, आती है तो। वैसे मैंने एक बार खाई थी इसकी बहुत पहले। कितना टाइम हो गया यार? बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल पहले मैंने यहाँ की खाई थी, उसके बाद मैंने नहीं खाई। बोर्ड बेसन वगैरह में पैसे हैं सिर्फ, अब जायका नहीं है। बोर्ड बेसन में पैसे हैं सिर्फ, जायका खत्म हो गया, कोई इतनी बेहतरीन हलवा पूड़ी वहाँ मिलती नहीं है। भाई अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ वहाँ से कोई मजेदार है हलवा पूड़ी वहाँ से मिलती है। लेकिन कॉपीराइट इशू आएगा, अब तो हर होटल बारी आ गया, अब तो हर होटल वाले रोड पे आ गए भाई, डाइन आउट चल रहा है हर जगह। सही है, अच्छा है, क्या है, जायका मिलना चाहिए। आप कहीं भी खाओ जरूर आओ, गोल्डन मार्केट में होता है भाई। यहाँ पे सिर्फ एक मसला है डाइन इन का, डाइन इन आपको एक वैसी नहीं मिलेगी। हाँ भाई क्या बेच रहे हो? यहाँ पे सिर्फ एक मसला है डाइन इन का, डाइन इन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो चेयर्स वगैरह लगी होती है, हम बैठ जाते हैं। यहाँ पर जेंट्स सेक्शन जो है अपने लड़के लौंडे लौंडे जो है उनके लिए सिर्फ वो है टेबल लगे हुए और स्टूल है, बाकी फैमिलीज के लिए चेयर्स और। तो आप लोग भी आइएगा, इन्जॉय कीजिए और हम हलवा पूड़ी खाते हैं। आना शुरू हो गई है भाई, सामान आ गया है। शाहजेब की इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही है फोन पे, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। चलो हमारे चैनल की पहली स्पॉन्सरशिप हमें मिल रही है, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। आज हमारी पहली वीडियो स्पॉन्सर हो रही है इंपीरियल। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से हमारी 6 महीनों की मेहनत से प्रोनाउंसिएशन क्या इंपीरियल पैलेस हमें स्पॉन्सर कर रहा है आज, स्पॉन्सर कर रहा है भाई उनके फेसबुक और उनके ओनर जो है। हाँ उसकी रिकमेंडेशन भी है वो निशान ने दी है, और इंपीरियल पैलेस के जो ओनर है शाहजेब उनकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सर बिजी है अभी, हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप पेज विजिट करें निशान का भी और इंपीरियल पैलेस का भी। और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने आज हमारी वीडियो स्पॉन्सर की और हमें ये मशवरा दिया निशान ने कि भाई यहाँ चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद मौका मिला। दूसरा भाई स्पॉन्सरशिप मैंने स्टार्ट कर दी है, देखो क्या चलता है। आज पहली वीडियो हमारी घर से स्टार्ट हुई है स्पॉन्सरशिप, घर का बिजी लग कर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे स्पॉन्सरशिप के लिए, इंस्टा का अपने पेज का, किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट करें स्पॉन्सरशिप के लिए, इंशाल्लाह ऑन हो गया, ईमेल भी दे दूंगा। तो भाई आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, बहुत टेस्टी हलवा पूरी थी नो डाउट, आप लोग आए और रीजनेबल प्राइस था। कराची की फूड स्ट्रीट का यही मज़ा है कि भाई प्राइस भी रीजनेबल होती है और टेस्ट भी होता है। बाकी डाइन इन और बैठने का सिस्टम ये, अब आपको टेस्ट चाहिए तो इतने नखरे तो होने नहीं चाहिए भाई, अच्छी से अच्छी जगह भी खाओ। ये तो भाई ये सब चीज़ें हर जगह का खाना चाहिए भाई, टेस्ट करना चाहिए। हमारे साथ स्पॉन्सर इंपीरियल पैलेस के ओनर हमारे पहले स्पॉन्सर हमारे चैनल के। तो भाई अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।